मां नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, प्रेम और धन के कारक ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 15 फरवरी 2023 की शाम 7:43 पर शुक्र कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मीन राशि में ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र अपनी उच्च राशि में मौजूद होकर गुरु के साथ युति बना रहे हैं और 11 मार्च 2023 तक शुक्र मीन राशि में ही संचरण करने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इन 25 दिनों की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का बदलाव शुक्रदेव करने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, वाहन सुख का, गृहस्थ सुख का, सभी प्रकार के भोग विलास का और दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी क्षेत्रों पर शुक्र का ही आधिपत्य होता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं। जन्म कुंडली पर इनकी स्थिति यदि अनुकूल हो तो कई प्रकार की सफलता जीवन में देखने के लिए मिलती है। कुंडली पर यह अच्छी अवस्था में होते हैं तो जातक अपने व्यक्तित्व के द्वारा और अपने वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करने में सफल होता है। सभी प्रकार के मटेरियलिस्टिक सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र यदि अनुकूल हो तो दाम्पत्य जीवन में खुशियां प्राप्त होती है और ऐसा जातक व्यापारिक क्षेत्र में काफी उन्नति करता है। वहीं शुक्र की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर खराब हो जाए तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। शुक्र के पीड़ित होने पर संस्कारहीनता, यौन जनित रोग और आर्थिक संकटों का सामना जीवन में करना पड़ता है। वहीं शुक्र के पीड़ित होने पर यौन दुर्बलता और मानसिक तनाव भी निर्मित होने लगता है, तो इसको शुक्र से जुड़ा हुआ उपाय करके ठीक भी किया जा सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आपके राशि में द्वादश भाव पर शुक्र का गोचर हो रहा है, जबकि शुक्र आपके दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। राशि के 12वें भाव से मोक्ष, विदेश के बारे में, सैया सुख के बारे में, खर्च के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन कई प्रकार की सफलता जीवन में देने वाला है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की द्वादश भाव पर युति आपके जीवन में आपके सुखों में वृद्धि करने वाली है। यानी मेष राशि वाले जातकों, यदि आप अपने जीवन में इस समयावधि में मन में किसी प्रकार की योजना बनाकर रखे हुए हैं, नया भवन, नया वाहन खरीदने की यदि आप योजना बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। इस दौरान आपके जीवन में मान सम्मान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने वाली है। व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए व्यापारिक सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि के ऐसे जातक जो शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, यानी यदि आप भवन बनाने का कार्य करते हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, जल परिवहन के क्षेत्र में यदि आपका कार्य है,
यदि आपकी बुटीक की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, थिएटर या सिनेमा से यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। हालांकि खर्च भाव पर शुक्र का गोचर हो रहा है तो आपके जीवन में खर्चों में बढ़ोतरी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। इस दौरान आपके जीवन में कई कार्यों से धन लाभ प्राप्त होने का भी प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेष राशि के जातक इस समयावधि में परिवार के सदस्यों के साथ संबंध सुधारने में सफल रहने वाले हैं। यदि पूर्व के समय से आपके जीवन में पारिवारिक स्थितियां प्रतिकूल थी, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि के विदेशों में जो जातक रहकर कार्य करते हैं तो उनके लिए समय काफी अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। कर्मस्थल को लेकर कार्य व्यवसाय के सिलसिले में यदि आपका जुड़ाव विदेशों से है तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को सावधानी क्या रखनी चाहिए? तो देखिए, इस दौरान आपको दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए। खान पान की आदत पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वही छोटी मोटी बातों को लेकर पारिवारिक जीवन में आपको हावी होने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो शुक्र ग्रह को अनुकूल और मजबूत करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करना और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने खीर का भोग लगाना बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ मेष राशि के जातक शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को यदि आप नए वस्त्र दान करते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।